नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा को कल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिन्हें यूरिन में समस्या है। अब उनकी सेहत में सुधार है। दरअसल भजन लाल शर्मा के सीएम शपथ ग्रहण के बाद शुक्रवार रात को किशन स्वरूप की तबीयत खराब हो गयी थी, जिन्हें यूरिन की समस्या होने पर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। इन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप को मेडिकल आईसीयू में डॉक्टर प्रकाश केसवानी की यूनिट में भर्ती करवाया है। अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा की माने तो सीएम के पिता की स्थिति अभी नॉर्मल है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाए गए हैं। रिपोर्ट के बाद आगे की स्थिति तय होगी। उनके ट्रीटमेंट के लिए केसवानी के अलावा जनरल मेडिसिन यूनिट के एचओडी डॉक्टर सुधीर मेहता, डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, यूरोलॉजी के एचओडी डॉक्टर शिवम प्रियदर्शनी के अलावा यहां पर तमाम लोग भी शामिल थे। दरअसल उनकी कई जांचें भी करवाई गई हैं, जिसमें ईसीजी, यूरिन टेस्ट, एक्सरे आदि, जिसमें सभी जांचें सामान्य हैं। आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। सीएम के पिता की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली तो परिवारजनक और शुभचिंतक भी एसएमएस अस्पताल पहुंच गए। हालांकि चिकित्सकों ने कहा कि अब स्थिति बेहतर है। इसके साथ ही सीएम के अधिकारी भी इस दौरान वहां पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर भजन लाल जो हैं कल अपनी शपथ ग्रहण करते नजर आए थे और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।